हेलो एवरीवन, तुहाडा सारिया का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरजी ते। हाँ जी, ईटीटी दे सेकेंड एग्जाम दे लई जनरल साइंस का जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक होवेगा वह हैगा जी साउंड, यानी कि धुनि। कोशिश करांगे असी इस एक वीडियो विच ये चैप्टर जिहड़ा पूरा कंप्लीट करिए। इस तो पहला जनरल साइंस दियां दो वीडियो अपलोड ने, जेकर तुसी वह दो वीडियो नहीं वेखियां तां अज दी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक जिहड़ा असी दे देवांगे, उत्थों जाके तुसी वो दो वीडियो वेख सकते हो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज दी वीडियो। हैलो एवरीवन, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी ते। दोस्तों, जनरल साइंस का जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक होण जा रहा है वह हैगा जी साउंड, यानी कि धुनि। कोशिश करांगे असी इस एक वीडियो विच ये पूरा टॉपिक है जिहड़ा कवर करिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कि धुनि की होंगी। धुनि यानी कि साउंड की होंगे, तो साउंड होंगे जिहड़ा वो एक प्रकार की ऊर्जा होंगी, एक प्रकार की एनर्जी होंगी है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन बनता है कि साउंड किवें पैदा होंगे, धुनि किवें पैदा होंगी। धुनि पैदा होंगी है जी वाइब्रेशन के नाल, वाइब्रेशन यानी कि कंपन के नाल जी धुनि पैदा होंगी। एग्जाम्पल नाल समझते हैं, जिमें आ कोई लोहे का टुकड़ा है तो इस उपर असी हथौड़ी नाल सट मार रहे हैं। इस तरह हथौड़ी नाल इस उपर सट मार रहे हैं तो क्या एक साउंड की जी आवाज़ आएगी, वो क्यों आएगी? अपना फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा हैगा सी मीटर इन ओवर सराउंडिंग, इस चैप्टर से आप पढ़िया पदार्थ बारे। तो पदार्थ विच आप पढ़िया कि संसार विच कोई भी वस्तु है वो जी छोटे छोटे कण नाल मिलके बनी होंगी है। उस तो बाद पदार्थ की अवस्था भी पढ़ी सी, पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव ते गैस। आ जी पदार्थ की अवस्था है आएगी ठोस, तो असी पढ़िया सी कि कोई भी जिहड़ा पदार्थ हैगा वो छोटे छोटे एटम नाल मिलके बनया होया होंदा। इस तरह जिहड़ा लोहे का टुकड़ा है आ भी छोटे छोटे एटम नाल बनया होंदा है। ठोस विच की होंदा है कि एटम ज़्यादा क्लोज होंदे ने, जदों आपां हथौड़ी नाल इस उपर सट मारांगे तां की होवेगा, ये जिहड़े एटम ने ये आपस च डिस्टर्ब हो जाणगे। इस तरह डिस्टर्ब हो जाणगे तो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूजे को धक्का देंगे, जिस नाल की होंगे इन की होगा वाइब्रेशन, तो इस वाइब्रेशन के नाल की होगा जोड़ा साउंड वो प्रोड्यूस होगा। फिर तो रिपीट कर दें, लोहे का टुकड़ा रेता उस उपर आप हथौड़ी नाल जी सट मार रहे, वो की करें आप इसको एक तरह की ऊर्जा दे रहे, इसको एनर्जी दे रहे हैं। यह एनर्जी है जी मोलीक्यूल्स में एक दूजे को धक्कन लग जाएगी इस तरह, तो जिन्ने ज़्यादा क्लोज होंगे उन्ने ही जल्दी एक दूजे को धक्का देंगे। इस तरह इस तो पता लगता है कि ठोस विच जिहड़ी है साउंड की आवाज़ वो सब तो ज़्यादा होंगी है, तो गैस विच सब तो घट, क्योंकि ठोस विच जिहड़े मोलीक्यूल्स ने वो ज़्यादा क्लोज होंगे ने। इस तरह जो आप उपर कोई फोर्स लावांगे या फिर कोई एनर्जी देवांगे तो ईजली एक दूजे को इस तरह ओसीलेट जिहड़े करनगे, इस नाल की है वाइब्रेशन पैदा होगा तो साउंड भी पैदा होगा। होर इन एग्जाम्पल वेखिए जी, तो की होंगे जो ट्रेन की पटड़ी इतने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हले ट्रेन जी है काफ़ी दूर है आ नहीं रही, तो उसका किमें पता लगता है कि ट्रेन आएगी आवे या फिर नहीं आएगी? तो यह व्यक्ति की करता है इतने ट्रेन की पटड़ी के कन ला के सुनता है, जिस तो पता लगता है कि ट्रेन जी आ रही है। तो इस तो पता लगता है कि ठोस में क्या है, ध्वनि की स्पीड है जी सब तो ज़्यादा होंगी है, तो सब तो घट गैस से होंगी है, तो वेक्यूम जी ध्वनि वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वेक्यूम जी ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने लिए की चाहिए मोलीक्यूल्स। आ जोड़े मोलीक्यूल्स होंगे आई ध्वनि जरा ट्रैवल लिए सहायता प्रदान करते हैं ता जो ध्वनि अगे जा सके। पर एक गल तुसी इहदे विच भी याद रखनी है कि इस विच की होंदा है, इस केस विच सिर्फ ऊर्जा होंदी है, उन्दा स्थानांतरण होंदा है,
सिर्फ ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, ना कि कणा का। आगे गल तुसी नोट करनी है कि जदों ध्वनि आती है तो इस विच की होंदा है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होंदा है। आ मोलीकुल इसनों ऊर्जा दे देगा, ये अगले दे देगा। इस तरह ऊर्जा के कारण ही जिहड़ी ध्वनि अगे जाती है, ना कि मोलीकुल्स के कारण। नैक्सट जेकर आप गल करिए मनुख ध्वनि किवें पैदा करते हैं, मनुख ध्वनि किवें पैदा करते हैं, तो मनुख के अंदर की होंगे जी, जिहड़ा अपना गला होंगे इस तरह, या कोई व्यक्ति है तो गले विच की होंगे वोकल कोड्स बने होंगे, वोकल कोड्स जिन्होंने कहते हैं, या फिर पंजाबी कहते हैं स्वर तंत्र, वो इस तरह के बने होंगे ने, आ गले विच बने होंगे ने। जदों साढ़े शरीर विचों अंदरों एनर्जी मिलती है इसनों इस तरह, तो की है वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह वाइब्रेशन करते हैं, इस नाल की होंगे साउंड जिहड़ा प्रोड्यूस होंगे। जेकर असी गल करिए मेल के वोकल कोड की, तो मेल के वोकल कोड की जिहड़ी लंबाई होंगी है वह होंगी है 20 mm, तो फीमेल के वोकल कोड की लंबाई होंगी है 15 mm। फिर तो रिपीट कर देने कि मनुखी जिहड़ा ध्वनि किवें पैदा करता है, तो मनुखी जे गले विच की होंगे वोकल कोड्स बने होंगे ने इस तरह के, जिस नाल की है वो वाइब्रेशन करते हैं, जदों शरीर के अंदर उसनों एनर्जी मिलती है तो वाइब्रेशन के कारण जिहड़ा साउंड है वो प्रोड्यूस होंगे। मेल विच वोकल कोड की जिहड़ी लंबाई होंगी है वो 20 mm होंगी है, तो फीमेल विच वोकल कोड की लंबाई होंगी है 15 mm। नैक्सट आप गल करिए तो साउंड जिहड़ा होंगे है वो एक तरह की साउंड एक तरह की तरंग होंगी है, एक तरह की वेव होंगी है, इस तरह जिहड़ा साउंड है वो चलता है। तो वेव की गल आप करिए तो वेव अगे दो तरह की होंगी है, एक होंगी है मकैनिकल वेव तो दूजी होंगी है नॉन मकैनिकल वेव, इनू कहते हैं यांत्रिक तरंग, आ होंगी है अयांत्रिक तरंग। जेकर तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछा जाए कि साउंड किस तरह की तरंग होंगी है, तुहाडा आंसर होगा मकैनिकल वेव्स। जेकर क्वेश्चन डीपली पूछा जाए कि मकैनिकल वेव्स विच जिहड़ी साउंड है वह किस तरह की वेव होंगी है, तो वह होंगी है जी लोंगीट्यूडनल वेव, जिहड़ी आपां अगे पढ़ांगे। मकैनिकल वेव च की होंदा है, मकैनिकल वेव च माध्यम की जरूरत होंदी है, नोट कर लो तुसी, इस तरह की तरंगा विच माध्यम की जरूरत होंदी है। माध्यम किवें, ठोस द्रव जां गैस। तो दूजी जिहड़ी वेव होंदी है नॉन मकैनिकल वेव्स, इस विच माध्यम की जरूरत जिहड़ी नहीं होंदी, मीडियम की जरूरत नहीं होंगी। फिर तो रिपीट कर देने जी, वेव दो तरह की होंगी है, मकैनिकल वेव्स ते नॉन मकैनिकल वेव्स, इन्हों कहते हैं यांत्रिक तरंग, तो दूजी होंगी है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग विच की कंडीशन ने कि इसनों माध्यम की जरूरत होंगी है, जिहड़ी साउंड ने वो एक तरह की यांत्रिक तरंगा ने, तो दूजी तरफ अयांत्रिक तरंग इन्हों माध्यम की जरूरत नहीं होंगी। हुण अगे पढ़ते हैं, यांत्रिक तरंगा भी अगे दो तरह की होंगी है जी, आप गल कर रहे थे मकैनिकल वेव की, मकैनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंग। हाँ जी, यांत्रिक तरंगे अगे दो तरह की होंगी है, एक होंगी है ट्रांसवर्स, पंजाबी भी इनू ट्रांसवर्स ही बोलते हैं ट्रांसवर्स, तो दूजी होंगी है लोंगीट्यूडनल। लोंगीट्यूडनल पंजाबी भी इनू लोंगीट्यूडनल ही बोलते हैं। मकैनिकल वेव्स दो तरह की होंगी है, ट्रांसवर वेव्स और लोंगीट्यूडनल वेव्स। जेकर पूछा जाए कि साउंड किस तरह की वेव है, तो वह हैगी जी लोंगीट्यूडनल वेव्स। हम पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की होंगी है, तो लोंगीट्यूडनल वेव्स की होंगी। हाँ जी, फर्स्ट आती है
ट्रांसवर्स तरंग। ट्रांसवर्स तरंग की होती है कि जदों माध्यम के कण तरंग के चलण की दिशा के लंबात्मक कंपन करते हो, जदों माध्यम के कण तरंग के चलण की दिशा के लंबात्मक कंपन करते हो, अजिही तरंग को ट्रांसवर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल नाल समझते हैं, एक ने मोलीक्यूल्स ने जदों असी इन्हों ऊर्जा दें, इस तरह ऊर्जा दें तो की है आ तरंग तो इस दिशा में चलेगी, तरंग की डायरेक्शन आ होगी, तो मोलीक्यूल्स की डायरेक्शन होगी वह होगी इसके लंबवत उपर वल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कणा की जी डायरेक्शन होगी, मोलीक्यूल्स की जी डायरेक्शन होगी वह होगी उपर वल, तो इस साइड होगी तरंग की डायरेक्शन, उसनों आप कहे ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स तरंग। डेफिनेशन फिर तो रिपीट कर दें जी, जदों माध्यम के कण तरंग के चलण की दिशा के लंबात्मक कंपन करते हो, अजिही तरंग में ट्रांसवर्स तरंग है जो कहा जाता है। इस विच इंपोर्टेंट की ने कि यह तरंग केवल ठोस विच, यह तरंग केवल ठोस विच ते द्रव की सतह उपर चल सकती की है, कि यह तरंग है जी ट्रांसवर्स तरंग, यह सिर्फ ठोस विच अते द्रव की जी सतह उते ही चल सकती है। नैक्सट आप पढ़ते हाँ लोंगीट्यूडनल वेव। हाँ जी नैक्सट आता है लोंगीट्यूडनल वेव, लोंगीट्यूडनल तरंगा। इस विच की होंदा है लोंगीट्यूडनल विच, जदों माध्यम के कण तरंग के चलण की दिशा में गति करते हो, अजिही तरंग को लोंगीट्यूडनल वेव कहा जाता है। कि तरंग की साइड भी सेम होवे ते कण की साइड भी सेम होवे। डायग्राम नाल समझते हाँ, जिवें आ मोलीक्यूल्स ने जदों असी इन्हों ऊर्जा देने तरंग के रूप में, तो की होंगे जी इन की डायरेक्शन होंगी है मोलीक्यूल्स की, वह भी इस साइड होंगी है जिस साइड जी तरंग है वह मूव कर रही हो, तरंग की डायरेक्शन भी सेम हो, कण की डायरेक्शन भी मोलीक्यूल्स की डायरेक्शन भी सेम हो, उन्होंने आप कहे लोंगीट्यूडनल वेव्स। तो जी साउंड होंगी अपने वो भी की ने एक लोंगीट्यूडनल वेव ने, तो जी लोंगीट्यूडनल वेव हो ठोस द्रव तो गैस इन्ह तिना जी ट्रेवल कर सकती। तो जी आप पहला पढ़ी सी ट्रांसवर्स वेव वो की सी, सिर्फ ठोस जी द्रव के सतह उत्ते ट्रेवल करती सी, तो जी लोंगीट्यूडनल वेव है वो ठोस द्रव ते गैस तिना ही ट्रेवल करती है। तो जी अपनी साउंड होंगी है वो की हैगी एक तरह की लोंगीट्यूडनल वेव। तो जोड़ा डीपली क्वेश्चन बनता सी वो आई बनता है कि साउंड किस तरह की वेव है, वो हैगी जी लोंगीट्यूडनल वेव। नैक्सट जी आप डेफिनेशन करा वो हैगी जी आयाम, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की होंगे तो किसी कण के मध्य स्थिति तो एक पासे नू वध तो वध विस्थापन नू डोलन या आयाम जिहड़ा कहा जाता है। डायग्राम नाल समझते हाँ, आ जिहड़ी की है वेव हैगी है, तो इस वेव के मध्य स्थिति तो उत्ते तक जिन्ना वध तो वध विस्थापन होवे उसनू आपां की कहांगे आयाम, आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। आ जिहड़ा निर्भर करता है आ करता है जी फ्रीकुएंसी उत्ते, आवृत्ति उत्ते डिपेंड करता हुंदा है आयाम। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां, आयाम की हुंदा है किसी कण के मध्य स्थिति तो, किसी कण के मध्य स्थिति तो जिहड़ा
उत्ते वल वध तो वध विस्थापन होवे उहनूं आपां की कहांगे आयाम। कहण दा मतलब है कि तरंग इस तरह चल रही है तो जिथे जाके सब तो ज़्यादा उपर उठे उस डिस्टेंस नूं आपां की कहने आयाम। नैक्सट आपां पढ़दे हां फ्रीकुएंसी बारे। हाँ जी नैक्सट डेफिनेशन आती है आवृत्ति की। आवृत्ति यानी कि फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी की होंगी है जी किसी कंपित वस्तु वालों एक सेकेंड विच किते गए कंपना की गिनती उसकी आवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक सेकेंड विच साउंड जिन्हें ज़्यादा कंपन करती है उसनों आप कहेंगे उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू की हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन बटा टाइम। आ की हो गया जी आवृत्ति। कहने का मतलब कि एक सेकेंड विच जिन्ने ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी उसनों आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जड़ा इकाई होंगी इसकी वो होंगी है हर्ट्स। हर्ट्स की इकाई होंगी है एच जेड नाल जिन्हों रीप्रजेंट करते हैं। हाँ जी नैक्सट जी डेफिनेशन आती है वह हैगी है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि तरंग लंबाई। तरंग लंबाई की होंगी है जी कण द्वारा जिन्ने समय विच एक कंपन पूरा किया जाता है उस ही समय विच तरंग द्वारा तय की गई दूरी नूं तरंग लंबाई कहते हैं। डायग्राम नाल समझते हैं इतने एक तरंग बना रहे हैं इस तरह की क्या है डेफिनेशन विच कण द्वारा जिन्ने समय विच एक कंपन पूरा किया जाता है उस समय विच तरंग द्वारा तय की गई दूरी नूं लंबाई कहते हैं कि या फिर वेवलेंथ कहते हैं कि इतों लेके इतों स्टार्ट करके आ जिहड़ा एक कंपन है जिहड़ा पूरा किया इत्थे तक तां इतों लेके जिहड़ा आ डिस्टेंस होगा उहनूं आपां की कहांगे वेवलेंथ। इहनूं आपां कहांगे वेवलेंथ। तो इहदा जिहड़ा सिंबल हुंदा है वह हुंदा जी लैमडा। इस तरह वेवलेंथ का सिंबल हुंदा है लैमडा। फिर तो रिपीट कर दिंदे हां कि एक सिरे तो लेके जिथों आ एक सर्कल पूरा हुंदा है वेव का उन्हों आपां की कहांगे वेवलेंथ। आ जिनी लेंथ हुंदी है उन्हों कहांगे वेवलेंथ। नैक्सट डेफिनेशन पढ़ते हैं आवर्त काल की। हाँ जी नैक्सट डेफिनेशन अपने को हैगी है आवर्त काल। आवर्त काल इंग्लिश जिन्हों कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल की होंगे किसी एक पूरे कंपन विच लगे समय नूं आवर्तकाल कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लिया जिमें कि आ पेडुलम हैगा इतों आप इन छड़िया तो इतने जाके वापिस उस थां आएगा तो जिन्ना इस टाइम लगेगा उन्होंने आप कहेंगे टाइम पीरियड। इसका जो सिंबल होंगे वो होंगे वड्डा टी। तो इसका इनू मेजर करते हैं आप सैकेंड आवर्तकाल केजर करते हैं सैकेंड आ जी आवर्तकाल की किसी एक पूरे कंपन विच लगे समय नूं आप कहेंगे आवर्तकाल। हाँ जी नैक्सट आप डेफिनेशन पढ़ा निपीड़न विरलन। सब तो पहला डायग्राम बना देना उस तो बाद समझाना कि कुछ होंगे निपीड़न विरलन। जो साउंड ट्रैवल होता है तो वह इस तरह ट्रैवल होता है जी। साउंड जो वाइब्रेशन करता हुआ ट्रैवल होता है तो इस तरह ट्रैवल होता है। तो दो कंडीशन बनदियां ने। आ जी फर्स्ट कंडीशन हैगी है इसनों आप कहते हैं नपीड़न। की कहता है डेफिनेशन से कि किसी लोंगीट्यूडनल तरंग के अगे वधन समय माध्यम विच कुछ थां ते कण बहुत नेड़े आ जाते हैं उसनों आप कहते हैं नपीड़न या फिर इंग्लिश कहते हैं कंप्रेशन।
कंप्रेशन निपीड़न। सेकंड दिता है विरलन, तो दूजे केस नूं आपां की कहांगे विरलन। डेफिनेशन की कहती है कि लोंगीट्यूडनल तरंगां दे अगे वधण समय माध्यम विच कुछ थावां ते दूर दूर कण चले जांदे ने, उहनूं आपां की कहिंदे आ विरलन। तो निपीड़न ते विरलन दोवें क्लीयर हो गए तुहानूं। फस्ट केस हैगा निपीड़न, फिर हैगा विरलन, फिर निपीड़न ते फिर विरलन। इस तरह जिहड़ा साउंड है वह ट्रेवल करता है। कहने का मतलब है कि जिहड़े कण ने वो अपनी पोजिशन पर वापस आ जाते हैं। आपां पहलां वी कह चुके हाँ कि इस विच की हुंदा है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता, सिर्फ ऊर्जा का ही स्थानांतरण हुंदा है, ना कि कणां का। यह नहीं कि इतों कण ए हैगा जिहड़ा आ एंड तक इत्थे जिवें साउंड जाना सी ते कण ए इत्थे आ जाएगा, एवें नहीं हुंदा। सिर्फ की हुंदा है, ऊर्जा का ही स्थानांतरण हुंदा है। आ ऊर्जा इसनों दे देगा फिर वापस आ जाएगा, अगे इसनों ऊर्जा जिहड़ी दे देगा। कहने का मतलब है कि कण वो अपनी एक्चुअल पोजिशन से वापस आ जाते हैं, तो जिहड़ा स्थानांतरण हुंदा है वह सिर्फ ऊर्जा का ही हुंदा है। नैक्सट पढ़ते हाँ, नैक्सट आता जी क्रैस्ट ते ट्रफ। क्रैस्ट ते ट्रफ, क्रैस्ट ते ट्रफ की हुंदा है वेखदे हां। जदों वेव इस तरह ट्रेवल करती है तां इस दे जिहड़ा उतला सिरा हुंदा है आ सिरा, इस नूं कहिंदे ने क्रैस्ट। इस तरह जिहड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुहानूं पुछे जा सकदे ने, इस नूं की कहिंदे ने क्रैस्ट। ते जिहड़ा हेठला सिरा हुंदा है इस नूं कहिंदे ने ट्रफ, उतले सिरे नूं कहिंदे ने क्रैस्ट ते हेठले सिरे नूं कहिंदे ने ट्रफ। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन आती है वह हैगी तरंग का वेग। तरंग का वेग, तरंग का वेग की हुंदा है, वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैमडा। डेफिनेशन की कहती है कि किसी माध्यम विच तरंग की आवर्ती अते तरंग लंबाई के गुणनफल नूं की कहिंदे ने तरंग वेग। तरंग का वेग की हो जाएगा कि आवर्ती इंटू तरंग लंबाई, तरंग लंबाई आ की हो जाएगा तरंग का वेग। आ फॉर्मूला जिहड़ा पूछा जा सकता है तरंग का वेग की होएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, साउंड ऑफ। हाँ जी, नैक्सट आप पढ़ते हाँ ध्वनि के प्रकार। ध्वनि किन्ने प्रकार की होंगी है? ध्वनि तीन प्रकार की होंगी है जी। फर्स्ट होंगी है इनऑडिबल साउंड, जिहड़ा आप नहीं सुन सकते। सैकेंड आता है ऑडिबल साउंड, तो थर्ड आता है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये भी आप नहीं सुन सकते। फर्स्ट नूं कहिंदे ने अपश्रव्य तरंग, सैकेंड हैगी है श्रव्य तरंग, तो लास्ट हैगी है प्राश्रव्य तरंग। इनऑडिबल साउंड की गल करिए इस विच रेंज हुंदी आवृत्ति की 20 हर्ट्ज़ तो घट। जिन्हां की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ तो घट होवे उहनूं आपां की कहांगे इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड विच 20 हर्ट्ज़ तो लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक जिहड़ी आपां साउंड आ उह सुन सकते हाँ, आवृत्ति सुन सकते हाँ। तो अल्ट्रासोनिक की गल करिए अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज़ तो ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज़ तो जिहड़ी ज़्यादा साउंड होगी उहनूं की कहिंदे आ आपां अल्ट्रासोनिक साउंड। जिहड़ा मनुख सुन सकता है वह सिर्फ ऑडिबल साउंड ने 20 हर्ट्ज़ तो लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। जेकर 19 हर्ट्ज़ भी हैगा तो वह आप नहीं सुन सकते, आप सिर्फ 20 तो लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। तो इनऑडिबल की हैगा जिहड़ा 20 तो घट हैगा उहनूं की कहिंदे इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड से कि तरंगा आदि ने, पी तरंगा, पी तरंगा, उस तो बाद एस तरंगा ते लव तरंगा।
ये सारी आते हैं इनऑडिबल साउंड। इस तो अलावा जी भूकंप तरंग होंगी है वह भी इनऑडिबल साउंड ही आती है। तो यह साउंड है जी कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, इनऑडिबल साउंड है जी कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। उस तो बाद ऑडिबल साउंड की गल करिए तो यह जी 20 हर्ट्ज़ तो लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होंगी है, इन्हों जो मनुख सुन सकता है। इस तो अलावा अल्ट्रासोनिक साउंड की गल करिए आवृत्ति जी होंगी 20,000 हर्ट्ज़ तो ज़्यादा होंगी है। तो ये तिरंगा जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बैट जो चमगादड़ ने वह यह तिरंगा पैदा कर सकते हैं। तो इस कारण ही वो जो चमगादड़ ने जी अंधेरे में जो अपना रस्ता वह लभ लेंगे। की होंगे जी इस तरह जिमें देखो चमगादड़ है सामने दीवार हैगी है तो आ जी अल्ट्रासाउंड वो प्रोड्यूस करे इस तरह तो वो जी दीवार ला के वापस टकरा के इन्होंने को आ गई तो उन्होंने पता लग जाएगा कि सामने कोई दीवार हैगी है तो वो अपना जो रस्ता बदल लेंगे। इस तरह जी अंधेरे में चमगादड़ जोड़े उड़ सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड होती है उन्होंने जी वेवलेंथ होंगी वो घट होंगी है, वेवलेंथ घट होंगी है तो इन्हों की एनर्जी जी ज़्यादा होंगी है, ऊर्जा ज़्यादा होंगी है। अल्ट्रासोनिक साउंड की वेवलेंथ घट होंगी है तो एनर्जी ज़्यादा होंगी है। अल्ट्रासोनिक साउंड के यूज़ की गल करिए तो फस्ट है संकेत भेजन लई, संकेत भेजन लई सैकेंड है समुद्र की गहराई मापन लई, समुद्र की गहराई मापन लई। थर्ड पॉइंट है वायुयान से घड़िया की सफाई लई, हवाई जहाज ते घड़िया की सफाई कर ली। इस तो अलावा दुध विचों हानिकारक जिहड़े जीवाणु होंदे ने उन्हां नूं मारन लई। इस तो अलावा ट्यूमर दे इलाज लई, ट्यूमर दे इलाज लई ते लास्ट जिहड़ा पॉइंट हैगा गठिया रोग दे लई, गठिया रोग हुंदा जिहड़ा गोड्यां च इस दे भी इलाज लई जिहड़ा साउंड है यूज हुंदा है अल्ट्रासोनिक साउंड। फिर तो रिपीट कर देने संकेत भेजन लई इसका यूज हुंदा है, समुंदर की गहराई जिहड़ी मापन लई इसका यूज हुंदा है, हवाई जहाज के कड़िया की सफाई लई भी इसका यूज हुंदा है, दुध विचों हानिकारक जीवाणु उन्होंने मारन लई, इस तो अलावा ट्यूमर के इलाज लई ते गठिए रोग के भी इलाज लई जिहड़े आपां यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। नैक्सट आपां पढ़ते हैं, हाँ जी नैक्सट आपां करांगे ध्वनि दीआं विशेषतावां। ध्वनि दीआं विशेषतावां फर्स्ट आता है इहदे च लाउडनेस जिहनूं पंजाबी च कहिंदे ने उच्चापन, उच्चापन लाउडनेस ऑफ साउंड। किसी ध्वनि तरंग का उच्चापन है जिहड़ा वह किहदे उत्ते डिपेंड करता है आयाम उत्ते, आयाम आपां पिछे जिहड़ा पढ़ चुके हैं। इस तरह जिहड़ी साउंड है ट्रैवल कर रही है तो सेंटर तो लेके जिन्ना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होएगा उत्ते वल उसनूं आपां की कहिंदे आ आयाम। तो जिहड़ा उच्चापन हुंदा साउंड का जिवें आपां कह सकते हैं किसी की आवाज़ उच्ची होंदी है, जिवें मर्दां की आवाज़ उच्ची होंदी है तो उहदा की कारण हुंदा है, ये हुंदा जी आयाम दे कारण कि जिहदा आयाम ज़्यादा होएगा उसकी आवाज़ उच्ची होएगी। तो आपां पिछे भी पढ़ चुके हैं कि मनुख दे जिहड़े मेल विच वोकल कोड की जिहड़ी लंबाई हुंदी है वह 20 mm हुंदी है, तो फीमेल विच, फीमेल विच हुंदी है 15 mm। तो जिन्हां दी वोकल कोड ज़्यादा होगी उन्हां दा जिहड़ा लाउडनेस भी ज़्यादा होगी।
मतलब कि ज्यादा आयाम ते ज्यादा उच्चापन, मतलब जिदा जिसदा आयाम ज्यादा होगा उसकी आवाज भी उच्ची होगी। उच्ची का मतलब लाउडनेस, लाउडनेस उसकी आवाज होगी। तो जिदी लो जो आयाम होगा, यानी कि लो एम्पलीट्यूड, तो उनकी आवाज जी की होगी सॉफ्ट, सॉफ्ट साउंड। लो एम्पलीट्यूड होगी तो आवाज जी की होगी सॉफ्ट होगी। तो यह जी विशेषता है किसी ध्वनि की लाउडनेस, फिर तो रिपीट कर देने कि जिदा आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी जी साउंड है वो उच्ची होगी। जिमें मर्दा की होंगी है, मर्दा की जी साउंड होंगी है वो उच्ची होंगी है, यानी कि मोटी होंगी है, भारी आवाज होंगी है। कि कारण होंगे एम्पलीट्यूड के कारण क्यों होंगे? क्योंकि मनुख के जोड़े मर्दा के वोकल कोर्ड ने वो ज़्यादा लंबे ने, उन्होंने लंबाई ज़्यादा नहीं, इस करके उन्होंने आवाज जी उच्ची होगी। होर एग्जाम्पल नाल क्लीयर कर लें, जिमें आ पेडुलम है, पेडुलम की जिमें आप लंबाई वधावे तो कि आयाम भी वधेगा, आयाम वधन नाल जिहड़ा टाइम पीरियड भी वधेगा, तो टाइम वधेगा तो जिहड़ा वेव है वह इस तरह ट्रेवल करेगी, ना कि इस तरह। फ्रीकुएंसी जिदी घट होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उनका की आवाज़ उच्चापन भी उदा ज़्यादा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आप पढ़ांगे तिखापन। तिखापन यानी कि पिच, श्रीलनेस जिन्हों कहते हैं तिखापन। ध्वनि का तिखापन जोड़ा है वो केंद्र से निर्भर करता है, वो करता है फ्रीकुएंसी से, फ्रीकुएंसी से निर्भर करता है। जिमें जिसकी फ्रीकुएंसी इस तरह ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ भी तिखी होगी, तो होंगी जी फीमेल की, फीमेल की जी आवाज़ है वो ज़्यादा तिखी होंगी है। इस तरह डायग्राम बनेगी। फीमेल की जी पिच होंगी वो हाई होंगी, हाई पिच होंगी जी फीमेल की। तो टाइम पीरियड की गल करिए, इसका टाइम पीरियड घट होंगे। तो फ्रीकुएंसी की गल करिए, आवृत्ति दी तां वो ज़्यादा होंगी। एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं, पिछे आप एग्जाम्पल लिती सी एक पेडुलम की। जेकर आप इसकी लेंथ वधा दें तो इनका जिहड़ा कि है टाइम पीरियड भी इनक्रीज़ हो जाएगा, टाइम पीरियड इनक्रीज़ होगा तो इनकी वेवलेंथ भी इस तरह इनक्रीज़ हो जाएगी। इनक्रीज़ होने नाल जिहड़ा इनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, तो एम्पलीट्यूड वधन नाल जिहड़ा कि है इस साउंड का जिहड़ा कि हो जाएगा उच्चापन वधेगा। यह हुंदा सी मर्दां विच, इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी कि हुंदी है भारी हुंदी है। दूजे आपां दूजे पासे गल कर रहे सी फीमेल दी, तां फीमेल दी जिहड़ी आवाज़ की होंगी है पतली होंगी है। क्यों होंगी है जी? इन्हां विच टाइम पीरियड घट होंदा है। टाइम पीरियड घट क्यों होंदा है जी? क्योंकि आपां पढ़ चुके हाँ कि इन्हां दे वोकल कोर्ड ने, उन्हां दी लंबाई घट होंदी है, 15 mm होंगी है। वोकल कोड छोटे होंगे, इनू तुसी पेडुलम भी मान लो, जिमें आ छोटा है ना वोकल कोड, तो आ छोटा होगा तो टाइम पीरियड की होगा घट होगा, टाइम पीरियड घट होगा तो फ्रीकुएंसी की होगी ज़्यादा। जिमें टाइम घट होगा फ्रीकुएंसी इस तरह ज़्यादा होगी तो आवाज़ की होगी तिखी होगी। बाकी तुसी घर वेख ही होना, जिमें दो बंदे जिमें लड़ते हो, जिमें जनानी तो उनका घर वाला लड़ते हो, तो उन्होंने तुम्हें पता ही है किसकी आवाज़ जी तिखी होंगी है तो किसकी घट होंगी है। बंदा तो आराम ना ही बोलता रहता है, पर चलो गुस्सा ना करे जी, तुम्हें बस समझाने लिए दस्या। हाँ जी, नैक्सट आता जी क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की जी गुणता, गुणता का किवें पता चलता है? तो जिमें अपने को तीन इंस्ट्रूमेंट ने, गिटार ले लेने, सेकंड है ड्रम, ते थर्ड है हारमोनीयम।
ये तीन जिहड़े आपां वातक जिहड़े ले लिते। इस तों बाद आपां की करिए इन्हां दी फ्रीकुएंसी अते जिहड़ा इन्हां दा एम्पलीट्यूड वो इक्वल कर दईए। फिर तो समझते हाँ जिमें एक गिटार हैगा, एक ड्रम हैगा, तो एक हारमोनीयम हैगा। इन्हां दी जे आपां फ्रीकुएंसी जिमें इस तरह फ्रीकुएंसी होंदी है, फ्रीकुएंसी ते इन्हां दा आयाम वो सेम कर दईए, उस तो बाद भी आपां नूं पता चल जांदा है कि आह गिटार वज रहा, आह ड्रम की आवाज़ हैगी, आह हारमोनीयम की आवाज़ हैगी। उहनूं आपां कहिंदे हाँ साउंड क्वालिटी ऑफ साउंड। डेफिनेशन पढ़ते हाँ कि जेकर असी गिटार ड्रम हारमोनीयम इन्हां तिन्हां दी आवर्ती अते आयाम बराबर कर दिंदे हाँ, फिर भी सानू इन्हां विच फर्क दा पता लग जांदा है, उसनूं आपां की कहिंदे हाँ क्वालिटी ऑफ साउंड, कि इन्हां दी फ्रीकुएंसी भी मैं बराबर करती ते एम्पलीट्यूड भी बराबर करता, फिर भी मैनूं पता चल जांदा कि आ गिटार वज रहा, आ ड्रम ते आ हारमोनीयम। उहनूं आपां की कहांगे क्वालिटी ऑफ साउंड। हाँ जी, नैक्सट आंदा है रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन की होंगे जी, जदों कोई वस्तु या कोई चीज़ है एक थान से टकरा के वापस उस थान आ जाए, उन्होंने आप कहते हैं परिवर्तन। जिवें इत्थे लाइट हैगी है, लाइट किसी चमकदार सतह नाल टकरा के वापस उस पथ से आ जाए, उसनों आप कहते हैं परावर्तन। तो साउंड च भी सेम है, जदों ध्वनि तरंग किसी तल नाल टकरा के वापस उस माध्यम विच आवे, उसनों ध्वनि का परिवर्तन जिहड़ा किया जाता है। जिवें इत्थे कोई व्यक्ति खड़ा है, इत्थे कंधे गई है, तो आ इत्थों जिहड़ी आवाज़ कट रही है, तो वह वापस इसनों ही सुनाई दे रही है, उसनों आप कहांगे रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। नैक्सट पढ़ते हाँ। हाँ जी, नैक्सट डेफिनेशन जी आती है वह हैगी जी गूंज। इंग्लिश कहते ने इचो या फिर इको गूंज। गूंज की होंगी है, हिंदी कहते ने प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कहने का मतलब कि ध्वनि जी बार बार सुनाई देनी, गूंज। जिमें तुसी वेखे होना खाली कमरे में जो आप बोलते हाँ तो सानू आवाज़ा जी सुनाई देनिया स्टार्ट हो जाए, इस तरह वापस एक आवाज़ तीन चार बार या फिर बार बार सुनाई देती है, उसनों कहते हैं गूंज। और एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं, जिमें आ कोई व्यक्ति है आ पहाड़ी एरिए गया, जिमें फिल्मों से भी तुसी वेखे होना, काफ़ी फिल्मों से विखाया जाता है, जिमें इतने हीरो आके डायलॉग बोलता है पहाड़ियों में, ताकि वह बार बार इसनों सुनाई देता है एक ही डायलॉग बार बार, तो यह होंगे जी गूंज। ये किसके कारण होंगे, ये होंगे रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड, साउंड के परिवर्तन के कारण होंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि गूंज की घट्टो घट दूरी कितनी होंगी है, गूंज सुनन की घट्टो घट दूरी। हम आप पढ़ते हैं जी घट्टो घट दूरी कितनी होंगी है, तो गूंज की जिहड़ी घट्टो घट दूरी लई सब तो पहला सानू पता होना चाहिए है कि साउंड की जिहड़ी ध्वनि की स्पीड हवा च कितनी होंगी है, ध्वनि की स्पीड हवा विच, तो हवा विच ये होंगी है जी 344 मीटर पर सैकेंड। किन्ने टेंपरेचर ते यह होंगे जी 20 टेंपरेचर ते, जो 20 डिग्री टेंपरेचर हो हवा विच साउंड की स्पीड होगी 344 मीटर पर सैकेंड। इस तरह जो टेंपरेचर हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री चीज की स्पीड होगी 332 मीटर पर सैकेंड। 25 डिग्री की गल करिए 25 डिग्री चीज की स्पीड होगी 346 मीटर पर सैकेंड। इस तो बाद आपां नूं पता होना चाहिए है कि जिहड़ी साढ़े कन ते साउंड की जिहड़ी गूंज है वह किन्ने टाइम तक रहिंदी है, साढ़े कन ते ध्वनि का जिहड़ा असर, साढ़े कन ते ध्वनि का असर। तुसी जदों छोटियां क्लासां च पढ़ते होंगे सी तो की होंदा सी, जदों टीचर तुहानूं थप्पड़ मारदा सी इस तरह
ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੂੰ ਚਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ, 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 344, ਅਤੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/10। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੂੰਜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ D1, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ D2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਲ ਦਾ, ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਵਟਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਰੀ, ਦੂਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਲ ਇੰਟੂ ਸਮਾਂ। ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, D1 ਅਤੇ D2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2D, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ D1 ਅਤੇ D2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 2D ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 344 ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੂ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਗੂੰਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 344/2×10। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 17.2 ਮੀਟਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੂੰਜ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ 17.2। ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ 17.2 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸੋਰੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੁਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸਥਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਧੁਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਰਤੀ
वो नहीं बदलेगी। एवें नहीं हो सकता ना कि पहले जिहड़े पदार्थ विच सी उदों 20 हर्ट्स सी ते दूजे च आके 20,000 हर्ट्स हो गई। इस तरह नहीं हो सकता कि आवर्ती है जिहड़ी वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेवलेंथ इहदी तरंग की लंबाई जिवें आ चेंज हो सकती है, तरंग घट वध हो सकती है ते इहदी स्पीड भी घट वध जिहड़ी हो सकती है, पर आवर्ती जिहड़ी वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिहड़े वो घट नहीं होणगे। हाँ जी नैक्सट आता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ध्वनि का अपवर्तन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी ध्वनि का अपवर्तन। डेफिनेशन की कहती है कि जदों ध्वनि अपना माध्यम बदले तो वह मुड़ जाए उसनों ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। जदों ध्वनि अपना माध्यम बदले तो वह मुड़ जाए उसनों ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। डायग्राम नाल समझते हैं, आ जिवें पानी है, पानी विच मैं आ नॉर्मल ड्रा किया इस तरह, इतों साउंड आ रहा है तो साउंड इस विच एंटर होके इस तरह मुड़ जाता, नॉर्मल दे वल मुड़ गया तो बाद च जो बाहर निकलेगा उदों फिर नॉर्मल तो दूर हो जाएगा। तो इस चेंज नूं की कहिंदे ने अपवर्तन। इस तरह लाइट का होंदा, लाइट जदों विरले माध्यम तो संघने माध्यम विच एंटर होंदी है तो वह नॉर्मल वल मुड़ जाती है, तो इस दे उल्ट जदों संघने तो विरले वल जाती है तो नॉर्मल तो दूर हो जाती है। इस तरह साउंड का होंदा अपवर्तन कि साउंड जदों विरले तो संघने विच आता है तो नॉर्मल वल मुड़ जाता है, तो विरले सॉरी संघने तो विरले वल जाता है तो नॉर्मल तो दूर हो जाता है। इसनों कहते हैं अपवर्तन ऑफ जी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। एग्जाम्पल नाल आपां क्लीयर करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लीए जिवें इत्थे दिन का टाइम है, दिन वेले नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन जी मैं ड्रा की है, दिन वेले आ सड़क हैगी है, सड़क तो सड़क का जोड़ा हेठां का जोड़ा टेंपरेचर है वो हाई है, हाई टेंपरेचर है, यानी कि इत की है हॉट एयर, हवा जी इत गर्म हैगी है, तो सानू पता है कि जी हवा गर्म होकर उपर वल उठती है, इस तरह मोलिकूल्स ने उपर वल उठन गए। तो उपरली साइड की गल करिए इतने जी हवा हैगी वो हैगी है कोल्ड, ठंडी हवा। आ माध्यम हो गया संघना, तो आ हो गया माध्यम विरला, दो तरह के माध्यम बन गए। क्वेश्चन इतने की बनता है कि दिन वेले सानू आवाज़ आओ घट सुनाई देती है रात नालों, दिन वेले आवाज़ घट सुनाई क्यों देती है, तो इतने की है जो टेंपरेचर हाई होगा तो डेंसिटी की होगी लो। डेंसिटी आप पहला कवर कर चुके हैं, डेंसिटी का मतलब होता है कणतव, जो भारीपन वो की होगा घट होगा उत्ते नालों, तो जोड़ा इतों साउंड निकलेगा वो इस तरह मुड़ जाएगा इस वल नॉर्मल वल, जोड़ा साउंड है वो नॉर्मल वल इस तरह मुड़ जाएगा। आई जी डायग्राम तुम आखो कि है सी जदों साउंड विरले तो संघने वाल आएगा तो कि वह नॉर्मल नॉर्मल दे वल मुड़ जाएगा, इस तरह आई हो रहा है जदों साउंड विरले तो इतने विरला माध्यम है क्योंकि इतने डेंसिटी घट हैगी है, हवा गर्म हो गई तो डेंसिटी की हैगी है घट हैगी है, तो उत्ते हवा ठंडी हैगी है तो इतने की है डेंसिटी ज़्यादा, या फिर तुम एवें कह लो कि थले गर्मी ज़्यादा हैगी है, इतने पानी दियाँ बूंदा नहीं है, तो हवा बिल्कुल गर्म हैगी है, उपर नमी हैगी है पानी विच, तो नमी के कारण इतने की है माध्यम जिहड़ा संघना, संघना माध्यम है। तो इस विच आपां पढ़िया सी कि जिहड़ी विरले तो संघने विच जदों एंटर हुंदी है तां उह नॉर्मल वल मुड़ जांदी है, तो विरले विचों निकल के संघने वल जा रही है तो नॉर्मल वल इस तरह मुड़ जाएगी, तो साउंड ज़्यादा दूर नहीं जाएगा।
यही कारण है कि दिन वेले सानू जिहड़ा साउंड आ घट सुनाई दिंदा है। सैकेंड केस करते हैं उदों तुहानू पूरा जिहड़ा क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी सैकेंड केस करते हैं, इस टाइम समा है रात का समा। रात का समा क्वेश्चन बनता है कि रात वेले सानू आवाज़ है जिहड़ी ज़्यादा सुनाई दिंदी है। तुसीं वेखे होना जिवें आ तुहाडा घर है इत्थे या पड़ोसियों के डीजे चलता पिया या फिर होर कितने गुआंढ विच इत्थे डीजे चलता पिया तो तुसीं तुहानू लगेगा कि वह आवाज़ सारी जिवें तुहाडे घर के कोल ही चलता पिया होवे। तां इह कारण रात नूं जिहड़ी ज़्यादा क्यों सुनाई दिंदी है एक्सप्लेन करते हैं इत्थे। या रात का टाइम है आ नॉर्मल ड्रा किया है तो इसमें इस च की होंगे उल्ट हो जाएगा सारा कुछ। रात वेले की हो जाएगा हेटा की हो जाएगी डेंसिटी हाई, हाई डेंसिटी तो उत्ते हो जाएगी लो डेंसिटी। इतने उपरली साइड हो जाएगी लो डेंसिटी, लो डेंसिटी जोड़ा कंत वा उत्ते कट जाएगा। आ हो जाएगा जी विरला माध्यम ते आ बन जाएगा संघना माध्यम। आएगी सड़क हेठा हवा की होगी कोल्ड ठंडी होगी। हुण आपां पढ़िया सी इत्थे डायग्राम बना दिंदे आ कि जदों साउंड संघने तो विरले वल जाएगा तो वह नॉर्मल तो पर हट जाएगा दूर हो जाएगा। हुण वेखदे आ जदों साउंड संघने तो विरले वल जाएगा तो इस तरह मुड़ जाएगा इस तरह। इस तरह तुसी वेखो इहदे विच की है जिवें आ विरला है तो आ संघना है इन्हां विच इस तरह लेयर बनदियां है जिवें विरले तो संघने इस तरह लेयर बनदियां जाणगियां इस तरह तो साउंड जिहड़ा नॉर्मल तो इस तरह दूर हटता जाएगा दूर दूर तक फैल जाएगा। आई कारण है जिहड़ी रात वेले सानू जिहड़ी साउंड है वह ज़्यादा सुनाई दिंदी है। किस दे कारण हुंदा है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण, साउंड के अपवर्तन के कारण होता है। हाँ जी नैक्सट जिहड़ा पॉइंट आ जाता है वह है जी रिजोनेंस, रिजोनेंस जिन्हों कहते हैं अनुनाद, अनुनाद रिजोनेंस। रिजोनेंस की होता है वस्तु की आवृत्ति बराबर बाहरी आवृत्ति, बाहरी आवृत्ति इनू ध्यान समझ जी रिजोनेंस की होंगे वस्तु की आवृत्ति जो बराबर हो जाए बाहरी आवृत्ति की तो जी कंडीशन बन जाती है वह बन जाती है रिजोनेंस की। फिर तो समझो कि कोई भी वस्तु है उनकी खुद की की है कुछ ना कुछ आवर्ती होंगी है फ्रीकुएंसी होंगी है। कोई भी वस्तु है कोई चीज़ है उनकी कुछ ना कुछ की है फ्रीकुएंसी होंगी है उनके जी इस तरह की जो आप कह सकते हैं फ्रीकुएंसी होंगी है वाइब्रेशन होंगे कुछ ना कुछ। तो जो वह वाइब्रेशन जो आप इस वस्तु के बाहर ही कोई होर वाइब्रेशन देिए तो जो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएनू आप कहे रिजोनेंस। एग्जाम्पल नाल क्लीयर करते हैं जिमें इतने पुल बनाया इस तरह पुल है तो इस पुल की कुछ ना कुछ जी है फ्रीकुएंसी होगी, फ्रीकुएंसी होगी तो इस उपर जो सैनिकों जो लंघना वो मना करते हैं क्यों, क्योंकि उस नाल की होंदा है जी रेजोनेंस की स्थिति बन जाती है। कि मतलब है ध्यान समझ आ जाए जो फौजी फौजी की है कदम नाल कदम मिला के लंघते हैं इस तरह तो उन्होंने मना किया जाता है कि पुल के उत्तों तुसी ना लंघो क्योंकि वह कदम के नाल कदम मिला के चलते हैं इस तरह। तो इस नाल की होंदा है आ स्थिति बन जाती है कि वस्तु की आवृत्ति जिवें पुल की कुछ ना कुछ फ्रीकुएंसी हैगी सी तो इनू आपां बाहरी आवृत्ति दे रहे हैं जिवें आ फौजी लंघ रहे ने इन्हां दे कदम की जिहड़ी फ्रीकुएंसी बनती है वह किसी कारण जे इक्वल हो गई तो पुल के टुटण के जिहड़े खतरे वो जिहड़ा चांस है वह 100% हो जाएगा, पुल के टुटण के जिहड़े चांस ने 100% हो जाएगा। इसकी होर एग्जाम्पल देवां तो तुसीं पढ़िया होगा कि जदों अकबर के महल में तानसेन हुंदा सी
ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਗ ਇਹ ਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਰਤੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਸੇਨ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ। ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡੋਪਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/T, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਵਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਸੋਨਾਰ। ਸੋਨਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਗਿੰਗ। ਆ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਆ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।